गेम जो न्यू वीडियो तो बेसिकली आज वीडियो में बताऊंगा आपको KTM Duke 390 Bs6 और भी इसका ऑर्डर बताऊंगा मैं और इसके जो न्यू कलर्स है वो भी बताऊंगा और इसके अंदर क्या फीचर्स नए अपडेट है और कितने रेंज पे है ये क्या प्राइस पे चलो देखते हैं। तो बेसिकली गाइस ये न्यू कलर है KTM की तरफ से स्पेस ग्रे कलर आता है इसके अंदर ऑरेंज आपको नहीं मिलता है यहाँ पे पूरा स्पेस है ये और ऑरेंज आपको व्हील मिलते हैं इसके अंदर और ये इसका डायनिंग ऑरेंज मिलता है बेसिकली ये इसके चेंजेस हैं और आपको वही पुराना वाला मतलब जो पहले आता था 1918 के मॉडल में वही आपको एग्जॉस्ट जोन मिलता है मॉट वाला सेम है ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं बस चेंज इसका खाली है इसके गियर में क्यू शिफ्टर दिया इसके अंदर यहाँ पे क्यू शिफ्टर दिया तो आपका गियर वेयर आप स्मूथ जाएगी आपके गियर स्मूथ हो जाएंगे डाउन शीड और अप शीड वो इम्प्रूव हो जाएंगे गाइस आपकी सेम है आपको टायर भी सब रेडियल टायर मिलता है लाइट वाइज भी सेम लाइट है बेसिकली कुछ चेंज नहीं है इतना बाइक के अंदर कलर्स का इफेक्ट है और इस पर प्राइसिंग की बात करें गाइस प्राइस इसकी 4000 रुपये इंक्रीज हो चुकी है जो पहले की प्राइस थी आपको मीटर कंसोल दिखाता हूँ मैं तो गाइस ये मीटर कंसोल है तो गाइस यहाँ से आपको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे आपको डेट टाइम बैटरी लाइफ क्या है फ्यूल स्पेस और फ्यूल शूटर्स का जो मेन एडवाइस मिला है वो सेम इसके अंदर आ चुका है तो कैमरा ब्लर मार रहा है बेसिकली ये सब चेंज है इसके अंदर और Bs6 के मॉडल में यही चेंज है उसके ऊपर कुछ है नहीं पावर आपको थोड़ा सा ड्रॉपलेस मिलेगा इसके अंदर 0.5 से लेकर 0.7 आपको पावर थोड़ा ड्रॉप होगा टॉर्क आपको उतनी की उतनी मिलेगी तो ये कि एक ये कलर आया और दूसरा एक कलर है जो भी अवेलेबल नहीं है सबको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में के अंदर अब बाइक देख लो कैसी लगी दूर से सेम बाइक है गाइस जो पहले का इंजन था सेम इंजन खाली पावर हुआ ड्रॉपलेस हो गया और बाकी ग्राफिक्स देख लो इसकी ग्राफिक बहुत अच्छी थी यहाँ पे डूक एकदम हल्के में लिखा हुआ है और यहाँ पे देख लो 390 लिखा हुआ है ग्राफिक्स में बहुत अच्छी लिखी गाइस ऐसा लग रहा है ये 790 की ऐसी लगभग 790 का ये पूरा दिया है यहाँ से स्क्रीन दिख रही है आपकी पूरी 790 का दिया हुआ है बाकी सेम है टेन लाइट आपको भी वही मिलती है इंडिकेटर LED सेम आपको जो मिलता है जो और जो वही रेडियल टायर मिलता है आपको पहले जो मिलता था आपको पहले वाले ब्लॉग वीडियो में अंदर दिखाया रहा मैंने 1819 में वही मिलती है तो गाइस इसकी आवाज़ सुन लो कैसी है तो गाइस इसकी आवाज़ सुन ले गाइस वैसी की वैसी जो पहले आती थी गाइस 2019 के मॉडल में और 18 के मॉडल में सेम है साउंड देख लो गाइस सेम कुछ फ़र्क नहीं है Bs6 के जैसे थोड़ा साउंड थोड़ा लो गया रहेगा और वाइब्रेशन तो इसके अंदर होंगी नहीं गाइस क्योंकि गाइस Bs6 इंजन है KTM की बाइक में बहुत कम वाइब्रेशन होती है पल्सर की बाइक में एक बार वाइब्रेशन मिल जाएगी आपको इसमें नहीं मिलने वाली है तो देख लो गाइस एक बार वॉक अराउंड देख लो बाइक का पूरा आपको कैसे कलर्स लगे 390 के बताना मेरे को एक वाइट कलर और एक फेस ग्रे कलर है दोनों कलर आपको दिखा दिया होंगे तो वीडियो को लाइक करना गाइस कमेंट करके बताना कलर को सबको अच्छा लगा अब प्राइस की बात करें खाली 4000 प्राइस इंक्रीज हुई है बाकी सबके आ रहा हूँ 5 हो गए सबको लगे 10000 इंक्रीज हुई है इसकी खाली 4000 प्राइस इंक्रीज हुई है तो देखना गाइस कलर सबको लिए सामने के अभी वो मैंने आपको दिखाया मैंने तो वीडियो यहाँ पे एंड कर देगा इसकी वीडियो कैसे बताना लाइक करके सब्सक्राइब करके।